राम मंदिर के लिए आमरण अनशन पर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस दास समय समय पर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने आगरा के ताजमहल में तेजो महालय बता करके प्रवेश कर पूजा के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ताजमहल चर्चा का विषय बना रहा। तमाम रिट भी न्यायालय में दाखिल हुई। इसी तरह अब एक बार और चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उनका दावा है कि ज्योतिषी और शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय किताबों के अनुरूप 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है, लेकिन दावा उनका ये भी है कि ये ज्योतिषी के अनुसार कहा जा सकता है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मुहिम चल रहे हैं। जगत गुरु परमहंस दास के बयान के बाद अब हलचल मच गई है। प्यारे देशवासियों, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ज्योतिष के आधार पर आज मैंने देखा कि 2025 तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।